सेकेंड, सॉरी 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 ब्रो, आई हैड डिसेबल्ड माई माइक, दैट्स वाई. सो वॉट आई वॉज स्पीकिंग इज कि टूडे वी विल बाई सम ट्रक, न्यू ट्रक, बिकॉज आई वॉन्ट सम न्यू व्हीकल नाउ, बिकॉज दिस इज अ सेकेंड हैंड व्हीकल विच आई हैव टेकन फ्रॉम समवेयर. एंड यहाँ पे अपना सिग्नल हो गया यार, चलो लेट्स गो टूवर्ड्स डीलरशिप. अभी देखते हैं कौन सी डीलरशिप है ये, एंड देखना तो है. सॉरी अबाउट डिसरप्शन, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था माइक बंद था, बट अभी मालूम पड़ गया है तो चलते हैं. एंड यहाँ से हम उतर गए हैं, फटाफट जाते हैं. वी कैन हियर यू नाउ, थैंक यू. ये रॉको 215 द रियल वन. ओके, इवन यू प्ले दिस गेम आई गेस, बिकॉज आई सी मर्सिडीज लोगो विच इज फ्रॉम मैक्रोज और समथिंग. इफ यू प्ले यूरो ट्रक सिमुलेटर और समथिंग, आई डोंट नो, बट आई गेस यू आर प्लेइंग समथिंग लाइक दैट. दैट्स वाई आई एम इन टू सिमुलेशन गेम्स, सो आई लव दिस गेम्स एंड दिस टाइप्स ऑफ गेम. सो यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ, बिकॉज दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ माई गेमिंग चैनल. इट्स नॉट अ गेमिंग चैनल एज सच, बट फिर भी. एंड चलो, आई एम सो मच टायर्ड टू वॉट वेट ऑन माई सिग्नल, सो आई विल गो अहेड. बहुत टाइम लग रहा है यार, मतलब अभी ट्रक डीलरशिप आए हैं तो देखते कौन सा ट्रक डीलर है यहाँ पे. अच्छा, मैक का है. ओके, तो हेयर वी हैव मैक डीलरशिप, बट आई डोंट वॉन्ट मैक ट्रक, आई वॉन्ट सम नाइस ट्रक विच आई हैव टू सी इन डीलरशिप. ओके कूल, आई प्ले बस सिमुलेटर. ओ नाइस, इवन आई वॉन्ट टू ट्राई बस सिमुलेटर, बट आई डोंट हैव दैट गेम राइट नाउ बिकॉज ऑफ स्टोरेज इश्यूज, बट श्योरली आई विल प्ले दैट वन एज वेल, बिकॉज आई हैव सीन दैट गेम प्ले एंड इट्स रियली इंटरेस्टिंग वन. सो आई विल ट्राई श्योरली, लाइक इन नियर फ्यूचर फॉर श्योर. इवन फार्मिंग सिमुलेटर इज वन ऑफ माई फेवरेट, लाइक इट हैज पिक्ड अप माई इंटरेस्ट, सो आई विल ट्राई दैट एज वेल. मे बी वी विल सी ट्रेन सिम्युलेटर एज वेल, लाइक विथ मॉड्स, लाइक वी हैव इंडियन मॉड्स इन रेलवे सिम्युलेटर, सो वी विल ट्राई दैट एज वेल. सो राइट नाउ वॉट आई एम सर्चिंग इज ट्रक डीलर्स एंड वेयर माई ट्रक डीलर्स आर. आई हैवन डिस्कवर्ड द वॉट आई कैन से फ्रेट लेनर स्टफ, सो आई विल लुक इन टू दैट एज वेल. हेज फ्रेट लेनर कैस्केड यार, वन सेकेंड, टेकिंग अ कॉल. ओके नो इश्यूज ब्रो. सो राइट नाउ आई डोंट नो वॉट ट्रक आई शुड बाय, लाइक कैनवर्थ इज रियली लेंथी फॉर मी. वॉल्वो इज गुड बट आई एम बोर्ड राइट नाउ. वेस्टर्न स्टार डजेंट पिक्स माई इंटरेस्ट. इंटरनेशनल इज लाइक 50-50, आई डोंट नो, बट आई एम नॉट श्योर ऑन इट एज वेल. देन फ्रेट लेनर इज वन विच पिक्स माई इंटरेस्ट बट नॉट श्योर वॉट टू डू राइट नाउ. मैक ट्रक्स आर बोरिंग राइट नाउ, सो आई वॉन्ट बी टेकिंग दैट एज वेल. पीडब्ल्यूडी इज बेस्ट ट्रक, बट आई डोंट सी द करंट ट्रक, लाइक द रियल वंस. लाइक इफ यू सी इन कंटेंट ब्राउजर्स एंड ट्रक ब्राउजर्स, आई वॉन्ट कैनवर्थ. W900 will work, but this will need some more levels to be done. ALXG, hi. Welcome to the stream. I hope you love the stream right now. And this is level 25 truck. My God, I cannot unlock right now. I will need some help in this, but I am not sure what to do because this is one truck which is so much modern in terms of all interiors and also maybe I will try this truck, but I don't have that required level right now, so I don't know what to do right now. Either I'll have to level up myself or this is not available for me as well, so this is not a deal for me. But I will try Freightliner Cascadia for sure right now. So I need to buy one garage, so that's one issue, because we have two full garages right now.
डोंट नो व्हाट टू डू, माइट हैव टू लुक एंड मैप एंड सी वेयर आई कैन बाय वन मोर गैरेज सो आई कैन स्टोर मोर ट्रक्स. तो लेट्स सी एंड एक्सप्लोर दिस मैप फर्स्ट. एंड आई एम नॉट सीइंग सम हाउस नियर बाय, तो आई सी वन हाउस आई गेस यहाँ पे. दिस इज कैनविक एंड लेट्स गो देयर एज वेल. फर्स्ट वी विल बाय अ हाउस एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स बाइंग ट्रक. सो राइट नाउ दिस इज टफ टर्न बट वी विल मैनेज इट सम हाउ. सो राइट नाउ इट्स क्वाइट अ बिग टर्न बट इट विल डू. हो गया भाई एलेक्स जी, एलेक्स जी. तो अभी पता नहीं मेरे स्ट्रीम पे कुछ बाहर के भी लोग आते हैं, कुछ यहाँ के भी होते हैं, सो वो थोड़ा बहुत इश्यू होता है. एंड राइट नाउ वी आर टेकिंग दिस स्ट्रीम रेगुलरली, सो आई गेस मेनी पीपल आर ज्वाइनिंग मी. सो आई विल नीड टू सी हु ऑल ज्वाइंस एंड व्हाट दे वांट. लाइक अगर उनको इंग्लिश पसंद, मतलब इंग्लिश गेम्स लगते हैं, सो आई विल डू दैट एज वेल. इफ Someone wants some different language, I will use that as well. I can speak three, four languages, so it's not an issue. So we can have multiple public from diverse languages. And why this truck is performing so badly right now? Finally, truck started back, and this truck is already malfunctioning like badly. That's why I want to replace this truck because I cannot stay with this truck for so long. Right now, I am looking for a garage, so we are going towards one potential garage which we can buy and we can store more trucks. So, देखते हैं अभी क्या करना है. फिलहाल तो अभी पेंडलटन से निकल गए हैं एंड यहाँ से हम देखते हैं कहीं दूर जाके कोई गराज अच्छा सा मिलता है क्या, बिकॉज भाई मैप गायब हो गया. कि गराज नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम तो होगा बट अभी कुछ नहीं कर सकते. सो ऑडियो इज फुल राइट नाउ एंड अभी हम फटाफट जाते हैं पेंडलटन की तरफ. स्पीड तो अच्छी चल रही है राइट नाउ बट जितना हो सके उतना चलना पड़ेगा. ओ यहाँ पे तो बहुत सड़क ब्रेक मारा रहे इन लोग. ओके इसका अलाइनमेंट टूट गया है शायद, सामने डबल ट्रॉली वाला ट्रेलर था सो उसका शायद अलाइनमेंट टूट गया, इस वजह से वहाँ पे ट्रैफिक जम गया अचानक से. बट अभी हम जा रहे हैं कैनविक की तरफ एंड यहाँ से भी हम कुछ खरीदेंगे अगर मिला तो. पहले तो गैराज खरीदेंगे फिर सोचेंगे कुछ खरीदना होगा तो दूसरे गैराजेस की भी कैपेसिटी एक्सपेंड हो सकती है. बट हम अलग अलग लोकेशन से अलग अलग गैराज करेंगे, क्या फर्क पड़ता है. यहाँ पे ऐसे ट्रक बंद पड़ रहा है बार बार. एंड राइट नाउ वी आर क्रूजिंग ऑन हाईवे विथ 70 माइल्स ऑन क्लॉक, नो 19 माइल्स डन. एंड लेट्स सी अभी कहाँ तक पहुँच पाते हैं. एंड वी हैव टू बाय सम गुड ट्रक्स फॉर आवर कंपनी बिकॉज आवर कंपनी इज वन ऑफ द रेयरेस्ट कंपनी आई कैन से. एंड प्लीज पुल इन फॉर व्हीकल इंस्पेक्शन एट नियरेस्ट वेट स्टेशन. वी स्टिल डोंट हैव एनी लोड बट स्टिल वी कैन गो एंड जस्ट स्टॉप एंड पास बाय. बट आई विल गेट $500 फाइन फॉर श्योर बिकॉज माई ट्रक इज नॉट फिट. एंड हेयर वी गो माइनस $500 फॉर डैमेज व्हीकल यूजेज. सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रक. आई विल पास ऑन दिस ट्रक टू सम ऑफ माई ड्राइवर विच आई विल रिक्रूट फॉर श्योर. एंड देन देखते हैं अभी क्या करना है. सो अभी हम आ रहे हैं नया गैराज खरीदने. यहाँ पे कैनविक से एंट्री मारते हैं. कैनविक एंड स्पोकेन एग्जिट नंबर 113 फॉर माई. यहाँ पे किसने तो पैसे लाके दिए हैं. आई गेस ड्राइवर मिलेनी हैज अर्न समथिंग बट आई डोंट नो वॉट. And I missed that chat. And finally, we are entering Kenwick. And let's see how far we can go.
एंड हेयर वी गेट ग्रीन सिग्नल बाय शियर लक आई कैन से, एंड देयर वी रीच गराज द पोटेंशियल वन विच वी विल बाय फॉर श्योर बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन ऑफ बाइंग गराज नियर बाय. सो दिस विल बी वन ऑफ माई नंबर टू नंबर थ्री गराज, सॉरी दिस इज माई नंबर थ्री गराज वेर आई कैन स्टोर थ्री ट्रक्स आई गेस. सो राइट नाउ वी रीच दिस गराज एंड यहाँ पे तो पैसे है ही वैसे, मतलब अच्छा खासा गराज है तो इसको तो लेना ही चाहिए आड़े में. एंड डू यू वॉन्ट टू बाई दिस गराज? यस फॉर श्योर आई कैन नॉट वेट. एंड हेयर वी बाय अवर थर्ड गराज ट्रक हेडक्वार्टर्स, बट आई वॉन्ट टू बाय ट्रक. दैट्स द प्राइम रीजन दैट विच इज मेकिंग मी बाय दिस गराज राइट नाउ. एंड नाउ वी कैन टेक द यूज ट्रक्स आई गेस एंड वी कैन बाय दैट फ्रेट लेनर. कंडीशन इज 5 स्टार एंड वी विल परचेस इट एंड कीप इट इन कैनविक गराज. बट आई विल हैव वन ट्रिक हेयर. सो राइट नाउ आई एम प्लानिंग टू स्वैप माई ट्रक. वील गो इन ट्रक मैनेजर एंड वी विल गेट दिस फ्रेट लेनर कैस्केडिया. एंड फाइनली वी हैव टेकन फ्रेट लेनर एंड लेफ्ट आवर वॉल्वो VNL बैक इन गराज. दैट वी विल गिव टू वन ऑफ आवर ड्राइवर्स विच वी विल बी हायरिंग. सो हेयर इज फ्रेट लेनर कैस्केडिया बैक एंड लेट्स हायर वन ऑफ द ड्राइवर्स. So where's my hiring agency? Yes, recruitment agency, hire a driver and we'll get this I guess. Amy should be the potential one I guess because women earn more. So that's the reason. No, not the Reading garage, but we'll give her this garage and let's, we have hired one driver. So now our primary task is to take our trailer back. Where is my drop deck? And use, okay. Now we'll have to go back to Billings, I guess, because my garage is not here. So let's travel to Billings. And Billings se hum uthate hai apna, are wrong, quick travel towards Billings. Where is my Billings, right? But okay, Billings confirm quick travel and we will shell some $2,000. Let's go and get that trailer for us. It's Wednesday 10:44 a.m. and here we are going back to Billings because I need that trailer and my trailer is somewhere else and my truck was somewhere else. Here we are right now with our trailer back and let's explore some job opportunities in cargo market. So from Billings we have one load towards Reading, McAllen, Dallas, Beaumont, Longview, Phoenix. No, but I guess I will get this Billings one because I haven't explored this route. So let's go to Namik and I guess what my truck has not started yet. So right now we have taken freight laner Cascadia because I was thinking this truck also looks so good. That's why I have taken this truck and let's go and see kaun sa load milta hai. Matlab load to we have fixed but this truck feels more like Mercedes because I guess this brand is part of Mercedes I guess. That's why it has some familiar stuff which we can see in Mercedes as well.
राइट नाउ वी हैव 30 सॉरी 75 माइल वर्थ ऑफ जर्नी टूवर्ड्स द कंपनी वेयर वी विल टेक अप द लोड एंड दिस ट्रक इज डूइंग फेयरली वेल राइट नाउ. 72 to 75 miles per hour is not a joke. And let's explore some pages of this truck. And it's quite good. Like UI is better than someone else. Even we can, I guess, have a trip computer as well. So here we are traveling at full speed and we have green signal. Let's cross it at green only. Because once we get red signal, it delays us like anything. So Freightliner is good truck, what I see. Smart suit level, okay, active. Nice, this truck is good one. Like I can drive it better. So I hope you are enjoying my stream because I am very beginner in terms of streaming because I have no experience of streaming prior to this. It's just my passion which I am following right now. And here we are turning to somewhere else. Only. I don't know what. We are getting too much offenses. Police are getting offended for sure. And here we get red signal once again. रेड सिग्नल काफी आते हैं तो इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ता है. यहाँ पे फ्यूल गेज किधर है? हाँ फ्यूल गेज भी इधर ही है. 1 mph. ओके माय ट्रक इज रोलिंग बैक. अभी ट्रक ही रिप्लेस कर दिया है मैंने तो वो थोड़ा सही लग रहा है अभी. एंड बाजू में पुलिस वाला है सो आई कैन नॉट ओवरटेक. गियर भी सीधा इसका ये अजीब ही है. सीधा एक फोर्थ गियर डालता है ये ट्रक. थोड़ा अजीब सा है मतलब पता नहीं कैसे गियर रेशियोज है वो मुझे अब तक नहीं समझे इसके. बट सही है फिर भी. लाइक आई एम एंजॉइंग दिस ट्रक करंटली तो एंजॉइंग. बट बाद में देखा जाएगा अगर कुछ नया खरीदना होगा तो देखते हैं. बट अभी तो जरूरत नहीं लग रही है मुझे. फ्रेटलेनर भी सही है वैसे ट्रक के हिसाब से. बट यहाँ से अपने को मारना है. नसीब से यहाँ पे कोई आया नहीं बीच में अभी गड़बड़ हो जाती. एंड यहाँ वेल्डन का लैंडस्केप सप्लायर वाला ट्रक आ रहा है. एंड अभी थोड़ा उसको जगह दिया मैंने वरना वो भी मुझे ठोकता वैसे तो. 70 माइल्स की लिमिट चल रही है करंटली. अगर कोई ड्राइवर पैसे दे तो नसीब है वरना अपने लपड़े हैं क्योंकि जेब में सिर्फ $5,000 बचे हैं एंड हम गाड़ी चला रहे हैं यहाँ पे. बट सही है लाइक आई एम एंजॉइंग दिस ट्रक एज वेल. बट थोड़ा देखना पड़ेगा आपने को. आज पता नहीं मेरे को बहुत जल्दी नींद आ क्यों रही है पता नहीं. स्विमिंग तो करना है बट ओके चल रहा है वैसे धीरे धीरे. बट ट्रक तो थोड़ा स्लो ही है. आई नीड टू गेट सम बेटर ट्रक देन दिस. बट फॉर दैट आई विल हैव टू अर्न मोर मनी एंड बाय लेवल 25 आई कैन बाय द ट्रक विच आई वांट टू बाय. बट राइट नाउ आई हैव टू यूज दिस ट्रक. मे बी आई विल गेट सम अदर ट्रक एज वेल इन बिटवीन टू एन्जॉय दिस जर्नी. बट दिस पुलिस ऑफिसर इज
गिविंग मी सो मच एंड हेयर आई एम गोइंग बैक इन दैट 8,000 नेगेटिव बैलेंस। अभी तो अरे ये ट्रक भी आ गया, एकदम क्लोज कट था, बट ठीक है, सही चल रहा है फिलहाल तो, एंड शायद बारिश भी गिर सकती है, वही लाना आता। या ये तो मैटर पता नहीं कौन है। सो हेयर वी आर बैक, माई ट्रेलर इज डैमेज लाइक एनीथिंग, बट अभी हम आ तो गए हैं नामिक, एंड यहाँ से वी विल पिक अप द लोड विच विल टेक अस टू रेडिंग्स फॉर 1,30,000 डॉलर्स, एंड विच वी विल अर्न सम गुड मनी, बट फॉर दैट वी नीड टू हैव सम गुड पेशेंस लेवल। सो हेयर वी आर लोडिंग अवर ट्रेलर एंड वी आर रेडी टू टेक अवर कार्गो टू सम न्यू लोकेशन। सो राइट नाउ वी विल हैव टू टेक अ गुड टर्न, फॉर दैट वी विल हैव टू सी वेदर आई कैन टेक दिस टर्न और नॉट। सो राइट नाउ लेट्स टर्न अवर ट्रेलर बैक एंड टेक अ शार्प टर्न, विच इज लाइक अ डिफिकल्ट टास्क, बट इट विल डू फॉर मी। तो यहाँ से हम निकल गए हैं टुवर्ड्स रेडिंग्स, एंड ये थोड़ा नया रोड है तो मुझे भी आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने एक्सप्लोर भी नहीं किया ये साइड, एंड अभी तेजी से अभी निकलते हैं। फ्यूल भी कितना है वो नहीं समझ आ रहा है यार, सबसे बड़ा वही सीन है। फ्यूल नहीं समझ आ रहा है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो। अगर फ्यूल मालूम पड़ेगा ना तो आई कैन गेज हाउ मच फ्यूल आई कैन रन विद माय ट्रक, बट आई कैन नॉट गेस ऑल्सो वेल, देयर इज नो गेज व्हिच कैन टेल मी हाउ मच फ्यूल आई एम यूजिंग एंड हाउ मच फ्यूल इज रिमेनिंग। सो दैट्स अ बिग इश्यू फॉर मी विद दिस ट्रक। सो दिस इज वन नेगेटिव पॉइंट ऑफ दिस ट्रक फॉर श्योर, बिकॉज वी डू हैव फिजिकल गेज बट आई कैन नॉट एग्जैक्टली प्रेडिक्ट वेयर माई ट्रक विल नीड फ्यूल, सो दैट विल बी एन बिग इश्यू, बट वी विल डील विद इट सम हाउ। बट लेट्स सी, लेट्स ट्राई फर्स्ट। आई विल हैव टू कीप टैब ऑन द फ्यूल गेज एज वेल, बिकॉज विदाउट दैट आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क अबाउट फ्यूल। यहाँ पे तो गर्दी लग गई यार, जैसे वीरान जगह पे भी गर्दी लगती है तो कैसा चलेगा बॉस, इवन आई नीड टू गो देयर ओनली। सो लेट्स गो। हाँ स्ट्रीमिंग आफ्टर ऑफिस इज वेरी टायरिंग टू बी ऑनेस्ट।
राइट नाउ वी आर टेकिंग अ डेंजरस मैन्यूवर बाय ओवरटेकिंग ऑन वेरी रॉन्ग साइड, बट क्या है कि अपने को ओवरटेक तो करना है। मैंने ओवरटेक किए बिना तो होगा भी नहीं, जो भी है आना भी भगाते यार, बहुत सीरियसली बहुत टाइम हो गया भगाया नहीं ट्रक। एंड ये नया ट्रक है, बट अभी देखते हैं कितना परफॉर्मेंस देता है, तो ये अभी ही बताएगा, क्योंकि तो इसके बिना समझेगा नहीं कितना क्या चल रहा है। हमने शुरुआत करी है 19,000 माइल से, तो 19,000 माइल से हम गेस कर सकते हैं कितना फ्यूल ट्रक ये करेगा। बहुत नसीब थे, बहुत नसीब थे। एंड ये कार वाले को मैंने रुका ही दिया सीधा, बिकॉज ही वुड बी इन कबाब में हड्डी। वैसे अजीब सा हो रहा है, मेरा इंग्लिश यहीं पे बिगड़ रहा है, इतना भी खराब नहीं है, बट ये पता नहीं स्लिप पे ऐसे क्यों होता है मेरे साथ। माई इंग्लिश इज बिगड़िंग टू सो मच लेवल्स। ट्रक कुछ ज्यादा ही स्लो चल रहा है। ओके, अभी ट्रक चलने लगा है, अब तक ट्रक चल नहीं रहा था। देखते हैं कितना फ्यूल चला पाता है अभी। ओके, सो वी हैव टेकन अ रॉन्ग टर्न। यहाँ से हम निकल लेते हैं, चुपचाप से कट लेते हैं, वरना कोई देखेगा तो फाइन गिर सकता है, बट अभी हम ऐसे ही कट लेंगे, तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास। एंड अभी धीरे धीरे हम मर्ज करते हैं यहाँ से, स्लोली स्लोली वी विल टेक। इतना क्यों स्लो चल रहा है भाई ट्रक? मर्सिडीज वाला भी इतना स्लो चलेगा तो कैसे चलेगा भाई। हाँ, फाइनली वी आर बैक। 38-40 माइल्स पर, एंड यहाँ से वी विल सबका रेड हो गया क्या? चलो अभी ऐसे जाते हैं यहाँ से, एंड फिर चुपचाप से आगे से निकल जाते हैं। वो सबसे बड़ा ट्रिक है मेरा, टू अवॉइड फाइंस। दिस इज द हैक ब्रो, हैक। यहाँ पे हमने हैक किया है सिस्टम को, सिस्टम को। मुकट में सिस्टम खुद हैक हो जाता है आजकल। यहाँ पे भी सिग्नल है, ओके। यहाँ पे मिल गया टिकट। रिटर्न एम्प्टी, ड्राइवर एलेक्स हैज पुट मी इन डेब्ट वंस अगेन। ड्राइवर एलेक्स के पास पैसे नहीं होते शायद, हमेशा कुछ ना कुछ कांड करके ही वापस आता है। वेट करना पड़ेगा अभी। बिलिंग्स, टिकट में सिग्नल मिल गया यहाँ पे। मैंने तो अभी निकल ही गए तो क्या करेंगे, 700 रुपये भर के जाते हैं।
वापस सिग्नल 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 सिग्नल्स वंस अगेन एंड लेट्स वेट, सिग्नल क्लियर होने दो बॉस, बहुत कब से एक तो सिग्नल पे फाइन मिल रही है, सो चलते हैं अभी। एंड जो भी आ रहे हैं वेलकम टू द शिप, अभी बस हम जा रहे हैं रेडिंग्स की तरफ यहाँ से। वापस सिग्नल, एंड हेयर वी आर बैक ऑन हाईवे। अभी हम जा रहे हैं रेडिक्स की तरफ, मैं थोड़ा बिजी हूँ टेक्सटिंग में। अरे यार कितना बार बोली करते पता नहीं, वे स्टेशन किधर है? अच्छा आगे है, थोड़ा सा आगे है, बट कोई नहीं। आ गए हम मेन स्टेशन पे भी। डैमेज ऑयल, व्हीकल ऑयलेशन ओके। सही से ट्रक बढ़ रहा है बट इसका स्पीड है ही नहीं वैसा एज सच जितनी देर लगा था।
मैन वेलकम वेलकम, जो भी आ रहा है स्ट्रीम पे मेरा थोड़ा ध्यान नीचे है। मैं नीचे चला चला के चला रहा हूँ, लाइक मेरा ध्यान फोन में है एंड आई एम ड्राइविंग द ट्रक। आज काफ़ी टायरिंग डे था तो इसलिए शायद मेरे पे वो एक नींद हावी हो चुकी है, बट अभी हम वैसे भी बढ़ेंगे धीरे धीरे। स्पीड तो हो ही चुका है अपना ट्रक, तो कोई इशू नहीं है, अभी मैक्स स्पीड पे चल रही है जैसे तैसे। बट शायद फ्यूल अपना सपोर्ट नहीं होगा उतना जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ फ्यूल मतलब ट्रक से, कि ये थोड़ा कम कैपेसिटी वाला ट्रक को लग रहा है बॉस कि इसका शायद टैंक शॉर्ट ही है, टैंक अपग्रेड नहीं है, तो वो थोड़ा इशू है। वैसे 80 माइल्स पे चल रहे, सो दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। स्पीड तो आराम से अच्छे से ही दे रही है, बट आई गेस वी आर मैक्सिंग आउट ऑन माई RPM राइट नाउ। ये तो अभी देखना पड़ेगा। अभी 76 माइल्स पे इवनिंग हो रही है वैसे तो, बट हम अपने पैसे वसूल करके रहेंगे क्योंकि अपने को पैसे चाहिए फिलहाल, कि ऑलरेडी माइनस में खाता चल रहा है। 60 ट्रक्स है फिर भी हमारे पैसे माइनस में चल रहे, सोचो है ना शर्म की बात। बट हमने पैसे ही ज़्यादा खर्चे किए तो ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे उतने। लास्ट ट्रिप में मेरे को कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा सबसे बड़ा लॉस था वो। 3 लाख रुपीज़ की, 3 लाख डॉलर्स की डिलीवरी थी, बट इतना डैमेज हो गया ट्रक, 24% में उन्होंने 2,96,000 काटे एंड हाथ में सिर्फ 4,000 डॉलर आए, सोचो। एंड 4,000 डॉलर मतलब तो कुछ भी नहीं कंपेयरिंग टू व्हाट एक्सपेंसेस आए हैं वो, ठीक है। तो दैट वाज द बिगेस्ट लॉस मेकिंग ट्रांसपोर्ट आई हैड डेड। तो अभी स्पीड लिमिट भी अच्छा है, अच्छा खासा 70 पे चल रहा है क्रूज एंड हम 80 पे क्रूज कर रहे हैं। वैसे 80 के ऊपर ये ट्रक जाता ही नहीं है शायद, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये 80 पे लॉक है, उसका स्पीड इतना है ही नहीं एंड प्लस इंजन भी इतना बड़ा नहीं है, सो थोड़ा देख के चलाना पड़ेगा। फ्रेट लेनर है अच्छा, बट कुछ कुछ चीज़ों में थोड़ा मार खाता, अभी क्या ही कर सकते हैं। ज़माना भी आजकल डिजिटल हो गया, पूरा ट्रक्स डिजिटल हो गए तो थोड़ा रहता है कि भाई अपना भी ट्रक डिजिटल होना चाहिए। बट ठीक है अभी थोड़ा चला लेंगे ट्रक एंड 970 माइल्स ही है, तो वो देखते हैं क्या करते हैं। अभी पूरा कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ वो तो पूरी टाइमिंग ही बताएगा। एंड 80 तो हो गया है स्पीड, बट हमें अभी एक यूटर्न मार के जाना है पूरा, मतलब देखते हैं। यहाँ से गोल गोल घूम के नीचे जाना है अपने को एंड फिर शायद अपने को कुछ मिल जाए। अगर सीधा सीधा रोड मिला तो नसीब है, वरना अपने सोचना पड़ेगा। ओह माय गॉड, -34,000, जितना मिलने वाला था उतना भी नहीं मिलेगा। अभी -34,000 हो गए, मतलब कुछ मेजर एक्सीडेंट हो चुका है। ड्राइवर MEG हैज लेवल्ड अप, हाउ बाय डूइंग एक्सीडेंट MEG हैज लेवल्ड अप, आई डोंट नो क्या सीन है, बट पैसे बहुत गए हैं मेरे। वॉजमैन डिस्कवर्ड, अजीब सा नाम वॉजमैन, एंड हेयर वी गेट ग्रीन सिग्नल समहाउ एंड यहाँ से हम बहुत शॉर्ट टर्न मार के जा रहे हैं। एकदम बिजी स्ट्रीट है, सब जगह गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही है एंड हम सिग्नल पे सिग्नल क्रॉस किए जा रहे हैं। होपफुली आगे का भी ग्रीन हो जाए, बट देखते हैं। अभी क्रैश व्हीकल ऑफेंस ब्रो, क्रैश व्हीकल, एंड हमने बहुत सारे सिग्नल्स पार किए हैं, अभी ये शायद हम नहीं पार कर सकते बिकॉज देर इज रेड सिग्नल वेटिंग फॉर अस।
चार सिग्नल हमने कैसे तैसे काट दिए, अभी कैसे काटेंगे, तो ये थोड़ा वेट करते चलो। ये आइसक्रीम वैन भी आ गया रे साइड में मस्त सा, ये भाई आइसक्रीम दे दे थोड़ा, बहुत गर्मी हो रही है आजकल, जल्दी जल्दी सिग्नल पे दे दे अपने को, बाकी पैसे जीपे पे ले लेना। क्या बात कर रहा है अंकल, मिलाज आइसक्रीम, फ्रॉस्टी कोन्स एंड सन्डेज एंड क्या मोस्ट डिलीशियस शेक्स। अच्छा तो बहुत कुछ मिलता है इसके पास, एक फ्रूट शेक देना भाई, फ्रूट शेक सब देना। वेट करना पड़ेगा, सिग्नल बहुत लंबे रहते हैं ये गेम में, तो थोड़ा रहता है, अभी क्या कर सकते हैं। चलो वापस सिग्नल, यार एक चौक से दूसरे चौक तक पहुंचते पहुंचते सिग्नल मिल रहे हैं, बोर तो होता है ऐसा सिग्नल ज्यादा रहते तो, बट कोई ऑप्शन भी नहीं रहता अपने हाथ में। वेट तो कर रहा हूँ कि भाई सिग्नल मिल जाए भागू। आगे का सिग्नल ग्रीन है, होपफुली ग्रीन पे ही रहे। अच्छा आगे वेइंग स्टेशन भी है तो शायद पुल कर लेंगे, कोई कोई ना कोई तो पुल कर ही लेगा ना, तो मुझे भी लग रहा है ज्यादा, अभी 1000 माइल्स का आदत था तो अभी शायद 300 माइल दे रहा है ये, 300 400 450 माइल तक हम चला सकते शायद ये तक। हाँ लगा ही था बाईपास, अच्छा बाईपास दे दिया क्या, सही बात है बाईपास है तो कोई त्रास नहीं है ना, ग्रीन सिग्नल भी हो गया है तो अपने हिसाब से चलते हैं। एंड फ्यूल स्टेशन स्किप कर लिया है मैंने यहाँ पे, सक्सेसफुली स्किपिंग द फ्यूल स्टेशन बिकॉज आई हैव इनफ फ्यूल, सो आगे जाके हम भर लेंगे फ्यूल वैसे। एंड कोई अच्छा लोकेशन आ रहा है साइड में, शायद बर्गर का एडवर्टाइज दिख रहा है, हाँ बर्गर ही है बुर्गिर, तभी थोड़ा सही सही से जाते हैं आगे, थोड़ा पैसा वसूलना पड़ेगा क्योंकि अपना पैसा माइनस में जा रहा है, और थोड़ा देखना ही पड़ेगा। हाँ, एंड ये कोनीफेरस ट्रीज एकदम क्रिसमस ट्रीज वाला वाइब दे रही है, वैसे ही होती है वैसे ट्रीज तो, बट बोलने के लिए क्या जाता है, क्रिसमस लैंड से हम जा रहे हैं कहीं तो, एंड मस्त है लोकेशन एकदम मजा आ रहा है, मतलब एकदम ग्रीनरी टाइप वाला बहुत सही व्यू दे रहा है मुझे, एंड सही भी जा रहा है वैसे बिकॉज ऐसे ग्रीन एरिया में ट्रैवल करने का अलग ही मजा। सो राइट नाउ वी हैव सम हाफ टैंक ऑफ फ्यूल, बट अभी देखते हैं कितना पॉसिबल हो पाता है आगे तक, कि ये फ्यूल भी टिकना चाहिए उतना। ट्रक तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दे रहा है, मुझे इतना कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था बट फिर भी एक ठीक ठाक है, मतलब वॉल्वो को कोई कंपेयर ही नहीं कर सकते, वॉल्वो का पावर नेक्स्ट लेवल है कंपेयर्ड अगर करेंगे तो भी, बट वॉल्वो यार थोड़ा बीच बीच में चक्रम हो रहा है, सो इसलिए ये ट्रक लेना पड़ा मुझे थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि इसको भी एक्सपीरियंस करना था कैसा है क्या करता है, बट मुझे लग रहा है वॉल्वो के चक्कर में ही वो पैसे गए हैं ड्राइवर एमवी ने माइनस करे हैं। एंड सही चल रहा है वैसे तो, एकदम लश ग्रीन एरियाज में से हम ट्रैवल कर रहे हैं, एंड सही भी है, मतलब अभी शाम का समय भी हो चुका है, अभी लाइट लगाना पड़ेगा थोड़े टाइम के बाद बिकॉज अगर लाइट नहीं लगाया तो फाइन गिरता है, एंड वी आर ऑलरेडी इन डेप्थ 50,000 माइनस में अपना खाता,
बट फिर भी हम चला रहे ट्रक। एंड साइड में शायद हाँ नदी है, एक रिवर भी है छोटी सी वो पास हो रही है साइड साइड से। तो सही है यार, मतलब लोकेशन तो एकदम एक नंबर लग रहा है ट्रैवलिंग के हिसाब से। एंड यहाँ पे ये कौन सा स्टेट है पता नहीं, स्टेट समझ नहीं आया मुझे कौन सा था, बट सही है। मतलब मुझे तो ये एरिया पसंद है, मतलब जो भी एरिया है मैंने अब तक देखा भी नहीं है मैप में मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, बट एरिया वाइब दे रहा है। मतलब जो होता है ना अलास्का का वाइब है ना वो यहाँ पे मिल रहा है। अगर अलास्का का डीएलसी आया ना तो मैं जरूर लेने वाला हूँ, क्योंकि अलास्का ऐसा स्टेट है यूएस का जो बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल नदी है साइड में, सन का रिफ्लेक्शन उस पर आ रहा था तो और ब्यूटीफुल हो गया। एंड ये एकदम क्लोज टर्न मारा मैंने, मतलब वाइड टर्न में भी बहुत क्लोज मारा मैंने, वरना क्या होता और क्या नहीं पता नहीं। बट फ्रेट लेनर लेके तो सही लग रहा है, मतलब है कंट्रोल तो है ये ट्रक का। वॉल्वो 60s पे भी बहुत वाइड टर्न ले रहा है, सो वो थोड़ा है एक इशू, बट देखते हैं कोई नया ट्रक आ जाए गेम में तो और मजा आ जाएगा। मतलब मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई नया गेम गेम का हो, नया ट्रक भी आना चाहिए गेम के अंदर, भी काफी टाइम से वही सब कॉमन ट्रक्स चल रहे हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि कोई बड़ा एंड अच्छा ट्रक आए, एंड फिलहाल तो सही चल रहा है। मतलब हाँ देखा है हेडलाइट यूजेज ऑफेंस आ गया, एंड अभी से हम अपर लाइट नहीं लगाते बट एटलीस्ट ये लगा के रखते हैं लोअर लाइट, बिकॉज पता नहीं क्या सीन हो सकता है आगे। ये फ्रेट लेनर वंस अगेन एंड टर्न सिग्नल देते हैं यहाँ पे। आगे शायद टोल बूथ भी है मेरे को दिख रहा है मैप पे, लेकिन हम टोल बूथ वाले रोड पे नहीं जाने वाले हैं। अगर वहाँ जाते तो शायद और मज़ा आता टोल बूथ पे। यहाँ शायद ये नेशनल पार्क वाला रहेगा, हाँ येलोस्टोन नेशनल पार्क है इसलिए, येलोस्टोन तो बहुत ब्यूटीफुल है। हम मैप में कहाँ है जरा देख लेता हूँ मैं। ओ यहाँ पे है, ये रूट है बॉजमैन एंड आइडाहो की तरफ पे है, सो वी विल श्योरली विजिट दिस एरिया वंस अगेन जब भी मौका मिलेगा, बट देखते अभी। दे क्या वाइड टर्न सिग्नल बहुत है यार, बहुत गाड़ियाँ एक ही साइड पे लगी पड़ी है, हमें भी वही साइड पे जाना है। एंड एवरीवन इज हेडिंग बैक टू माय डायरेक्शन ओनली, अभी सीधे सीधे लोग गए तो नसीब है, अगर नहीं गए तो फिर देखना पड़ेगा। एक गाड़ी ने टर्न मारा है, ये ट्रक भी अभी टर्न मारेगा एंड हम भी टर्न मारते हैं यहाँ पे। बहुत वाइड टर्न देना पड़ता है बिकॉज ट्रक इज लेंथी एंड 800 माइल कब होंगे पता नहीं, बट जो भी जब भी होंगे तब तो देखते हैं। एंड थोड़ा ओवरटेक करते हैं अभी, तो जो भी है स्ट्रीम पे वेलकम, आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस स्ट्रीम, एंड अगर आप स्ट्रीम एंजॉय कर रहे हैं सो गिव मी अ स्मॉल लाइक, वही मुझे काफ़ी है। लाइक करके जाना और क्या, एक लाइक आएगा तो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो अभी हम शाम की तरफ बढ़ रहे हैं एंड अंधेरा भी होने वाला है अभी, ऑलमोस्ट रात के 8 बजे है, फिर भी अपने यहाँ पे अंधेरा नहीं हुआ है, बट होगा इतना तो मुझे गारंटी है। वेलकम टू आइडाहो एंड वी आर एंटरिंग इन टू स्टेट ऑफ आइडाहो, कुछ हो या ना हो बट वी आर इन आइडाहो। काफी राइमिंग होता है जिग्नेश मात्रे, हेलो भावा जेवण झालं, हा झालं रे, जेवण करूनच मी रिटर्न येतो इकडे, मैं युजुअली जेवणानंतरच स्ट्रीम होते त्याच्या अगोदर नाही होत। आज आपण जातोय रेडिंग साईडला, मस्त लोकेशन्स आहेत जे पण आता एक्सप्लोर करतो येते, आणि मजा तर येते लाईक सिरियसली। आणि यहाँ पे कुछ फाटक जैसा था ऊपर, पता नहीं कुछ तो था बट वो भी मैंने देखा नहीं, नजरअंदाज कर दिया,
यहाँ पे पेट्रोल पंप है लेकिन अपना है अभी हाफ टैंक फ्यूल है तो क्यों अभी भरे। मतलब मैं सोचा अभी और 200 माइल्स चलाएंगे एंड फिर देखेंगे, भरना है तो भरेंगे नहीं तो नहीं, बट अभी तो नहीं भरेंगे क्योंकि अभी है अपना सारा फ्यूल तो है, सो इतना कोई इशू लग नहीं रहा है। एंड यहाँ पे सिंगल लेन हो रहा है, हम ओवरटेक कर रहे हैं रॉन्ग साइड से, चल रहा है अच्छा खासा एरिया तो मिल रहा है। हाँ 79, 80, 81, 82, 83, 84, आज कोणाची मॅच आहे रे जिग्नेश? मला माहित नाही, आयपीएल बघायला टाइम नाही भेटत ना यार, मी स्ट्रीमर असतो तर काय बघायला भेटेल, बट ते पण आहे बघू भाई कोण जिंकते ते। 800 माइल्स रिमेनिंग एंड वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे, बिकॉज ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं ये लंबा, बट सिर्फ सिंगल लेन खत्म हो जाए फिर उतना भगा भगा के चला सकते हैं। एंड ट्रक 80 के ऊपर जा ही नहीं रहा है, 80 इज मैक्सिमम स्पीड विच ट्रक टेक्स एंड उससे पहले तो नहीं हो रहा है। हाँ, अरे यहाँ पे तो वाइट लाइन गिर रहा है, ओके यहाँ पे एकदम शार्प टर्न है बहुत खतरनाक, मुझे धोखा ही लेना रहे पार्सल को। सीएसके वर्सेस सनराइजर्स है का? अच्छा, पुल इन फॉर व्हीकल इंस्पेक्शन देते हैं। अच्छा पार्सल काहीतरी आहे म्हणजे, चालेल सांगतो त्यांना काय सीन आहे ते, नाही तर तुला मेसेज करायला सांगेन त्यांना जर येत असतील, तर नाही येत असतील तरी सांगेन काय ते। अरे किधर गया रे, हो गया अच्छा ओके। डैमेज व्हीकल यूजेज वॉयलेशन, 500 रुपये कट गए मेरे, मतलब ऑलरेडी माइनस में खाता चल रहा है उसमें और माइनस हो गया अभी, बट ठीक है अभी क्या कर सकते, खाता इतना माइनस में कि वो बैंक वाला भी सोचेगा लोन से ज़्यादा तो इसके पैसे जा रहे हैं मेरे हाथ से, तो देखते हैं अभी, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अभी अंधेरा होने लगा है, मतलब डार्क अंधेरा वाला तो कंफर्म है, एंड आगे हाईवे भी है अच्छा सा, तो होपफुली अभी स्पीड से जाएंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे शायद थोड़ा ओए 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 भाई ट्रक किधर जा रहा है, ये शायद थोड़ा ओके, मेरा ध्यान नहीं था यहाँ पे तो थोड़ा लाइट मेरी गिर गई, लाइटिंग सोर्स थोड़ा बिगड़ रहा है, बट ठीक है अभी क्या कर सकते हैं, अपने पास वैसे जुगाड़ है लाइटिंग का तो वो कुछ नहीं किया जा सकता, जो है उस पे समाधान करके हम चलाते हैं। डेट लिमिट का है? डेट लिमिट का ही नहीं मेट, डेट इज अनलिमिटेड, हाउ मच यू गो इन डेट यू हैव टू पे बस, बाकी कुछ नहीं, बाकी से ऊपर वाले के भरोसे पे, मिला पैसा तो नसीब, नहीं मिला तो फिर रोना पड़ता और कुछ। काल त्या डिलिवरीमध्ये तेच झालं, 3 लाखाची डिलिवरी केली आणि एवढा गुड्स डॅमेज झाला की 2,96,000 डॉलर्स त्यांनीच कापले, हातात फक्त 4,000 डॉलर आहेत, ते पण काही मतलब ते नाही, तो लंबी डिलिवरी लेने के लिए मजा भी आता है बट रिस्क भी बहुत रहता है, जैसे कल मैंने इतना रिस्क लिया कि उसका कुछ इनकम मिला नहीं, उल्टा लॉस मेरा ही हो गया, वो एक होता है। मतलब ये ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर बहुत रिस्की भी है एज सच, बिकॉज इफ यू गेट टूर्स, मतलब जो भी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस मिलता है तो सही है, अगर बिजनेस नहीं मिला तो बहुत रोना पड़ता है, मतलब उसमें रिस्क एक्सीडेंट्स का, लाइफ लॉस का एंड वॉट नॉट, तो वो है थोड़ा बहुत रिस्क तो है बट कंसिडरेबल है। अरे मेरा ट्रक भी रोल हो रहा है यहाँ पे, पता नहीं शायद ट्रक को पावर नहीं उठना कि वो ये कर पाए, एंड अभी सेव हो चुका है गेम अपना। यहाँ पे वही सिग्नल पे बहुत लाइट, मतलब गाड़ियाँ आ चुकी है अभी बट सिग्नल नहीं मिल रहा है, वो सबसे बड़ा इशू रहता है इस पर। ग्रीन सिग्नल हो चुका है एंड अपने भी गाड़ी अभी भगाते हैं, एंड साइड में पुलिस वाला भी है चाचा, मेरे मिरर में है एकदम, तो अभी वो मेरे साथ ना आए तो सही है, अगर मेरे साथ आया तो मेरे को ही रोना पड़ेगा, ये फाइन बहुत गिरती है अभी। चाचा जी आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं,
कि आपका बिल परवड़ता नहीं मुझे। मैंने कुछ ज्यादा ही वाइट टर्न लिया था मैंने, बट सही है अभी उतर रहे। हाँ फाइनली वी आर ऑन हाईवे, यहाँ से हम अभी भगाएंगे वापस। आइडाहो फॉल्स आ चुके हैं एंड 764 माइल्स टू गो। यार बहुत लंबा है एंड टायरिंग भी जर्नी है फॉर मी, बिकॉज ऑफिस के बाद बहुत हालत खराब होता है। सम डे इट्स सुपर टायरिंग, सम डेज इट्स नॉट, बट मोस्ट ऑफ डेज तो होता है, मतलब टायरिंग तो है यार, उसके बिना होता नहीं है काम, मतलब है काम तो है ना, नहीं कह सकते, बिकॉज बीइंग इन बैंक वो थोड़ा हैवी रहता है वर्क। यू हैव टू फेस कस्टमर्स, यू हैव टू सर्व देम एंड व्हाट नॉट, तो वो थोड़ा है, बट इट्स नथिंग। वैसे थोड़ा चिल हो जाते हैं इसमें, स्ट्रीमिंग पे, क्योंकि स्ट्रीमिंग में उसके लिए करता हूँ, गेम मेरे लिए खेलता हूँ, मेरे पसंद के लिए। आप भी आते हो, आपसे बात भी होता है, फिर मज़ा भी आता है, मतलब है। अभी थोड़ा लाइट लगाते हैं यहाँ पे, हाँ सही से चल रहा है वैसे, बट जो भी रहेगा देखना पड़ेगा। बस फुटबॉल चेयरमैन खेलते थे सद्या, थोड़े डिविजन थ्री में जाते हैं, दोन चार रनिंग वीक 12 मध्ये पे नाही खेळला तर क्लब तो माझ्या दोन लॉस्ट होता होता राहिले। अच्छा म्हणजे तू फुटबॉलचा आहे तर तसं, फुटबॉल चेअरमॅन की फुटबॉल मॅनेजर आहे ते, मला फुटबॉल मॅनेजर वाटतो तो गेम, मी ऐकलेला वाटतो पण माहीत नाही, आता तेवढा मला आयडिया पण नाही मिळत फुटबॉल गेमचा, बट बघू जे असेल जसं असेल एन्जॉय करूया। अंधार गिर रहा है, मतलब बहुत अंधेरे में गाड़ी चल रहा है अपना, बट स्पीड तो है वैसे, मतलब ना ज़्यादा है ना कम है, एक ओके स्पीड के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। एंड जो भी स्ट्रीम पे आ रहे हैं, वेलकम टू द स्ट्रीम, आई होप यू एंजॉय दिस स्ट्रीम। प्लस अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो देके जाना है, एक लाइक तो बनता है यार, अगर आप 1 मिनट भी रुक पाते हो ना ये स्ट्रीम पे तो एक लाइक तो बनता है, और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं चाहता मैं, सिर्फ एक लाइक देना, एक छोटू सा लाइक, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ना ये चक्कर में। आपका एक लाइक मुझे बार बार मोटिवेशन करते रहेगा, तो जितने लाइक आएंगे उतना मोटिवेशन ज़्यादा। एंड यहाँ पे ब्रेक लगा नसीब से, बहुत खतरनाक ब्रेक मारा मैंने, कि शायद अगर ब्रेक नहीं मारता तो सीधा चले जाता, बट लकीली बच गया। एंड वापस सिंगल रूट आ गया है, मोबाइल गेम है फुटबॉल चेयरमैन प्रो। अच्छा मोबाइल पे गेम हो रही है, मोबाइल पे तो मेरी भी गेमिंग करनी है, लेकिन मेरे पास अभी वैसा रिसोर्स नहीं है, तो थोड़ा बैठना पड़ रहा है चुपचाप। अगर होता तो मैं भी शायद कुछ खेलता, मतलब खेल सकता हूँ बट फिर स्ट्रीम नहीं कर सकता ना, तो थोड़ा मेरे को जुगाड़ देखना पड़ेगा कैसे स्ट्रीम करना है, क्या है हाउ, वो थोड़ा एक बार मालूम पड़ेगा ना, फिर मोबाइल गेम्स भी आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। एंड सही चल रहा है फिलहाल तो, कितना है 712 पड़ा है, और एक अभी फ्यूल भी कितना बचा है, 444 माइल्स हो चुके हैं, तो मे बी ये 600 माइल्स का रेंज देता है ट्रक, जो कि कम है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं काफ़ी लंबी जर्नीज सिलेक्ट करता हूँ, तो उसके हिसाब से मेरे को फ्यूल भी चाहिए। अगर ऐसा फ्यूल मतलब रेंज मिलेगा तो मज़ा नहीं आएगा मेरे को। 80 की स्पीड लिमिट चल रही है अभी, एंड मेरे आंखों पे बहुत खतरनाक नींद भी चल रही है, जो बहुत खतरनाक ही है, बट अब क्या कर सकते यार, मेरे को थोड़ा आराम का जरूरत भी रहता है कभी कभार, क्योंकि है बहुत टायरिंग रहता है, तो उतना उसके बाद स्ट्रीम करता हूँ वो सबसे बड़ा सीन है। एक गेम आहे फुटबॉल मैनेजर बट टू पे विन आहे मन सोडून दिला खेळायचा। अच्छा पेवेयर वाला गेम है क्या, होता है कभी कभी, वो बहुत खतरनाक खिलाड़ी है, मतलब
आज तो अल्टीमेट टायरिंग वाला फील आ रहा है, तो एकदम नेक्स्ट लेवल टायर्ड हूँ। बट ठीक है, आपके लिए मैं आता हूँ, थोड़ा बहुत करेंगे एंड फिर जाएंगे। कि इतना शॉर्ट काम आ रही, अच्छा नहीं लगता ना इतना शॉर्ट स्ट्रीम करना, थोड़ा थोड़ा स्ट्रीम लंबा ही रखते हैं। एंड यहाँ पे कोई ट्रक चल रहा है धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे ही चल रहा है, ज़्यादा कोई तेज़ी से नहीं ट्रक बढ़ रहे हैं। क्रूज कंट्रोल है क्या? हाँ क्रूज कंट्रोल है, तो मैंने अभी क्रूज कंट्रोल लगा दिया है कि मुझे थोड़ा टायरिंग फील हो रहा था एंड हो भी रहा है एक्चुअली। बट क्या ही बताओ, अभी आप आते हो तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, थोड़ी एनर्जी भी मिलती है और लंबा स्ट्रीम खींचने की। सो जितने लोग आते हैं उसके हिसाब से स्ट्रीम और लंबी हो सकती है, और कुछ नहीं। अभी थोड़ा वेट करो, वीकेंड पे देखो कैसे धमाका करते, क्योंकि अभी तो बस शुरू हुआ है अपना टाइम। सो करेंगे मजे, बहुत खतरनाक एंड साथ साथ है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही है अपने को। अभी अगर चांस मिला तो कल मैं करूँगा पीछे लैपटॉप अपग्रेड थोड़ा, कि मेरे को करना ही है। ड्राइवर अब अग्नेलो एम हैज लेवल्ड अप, उसने भी $2,700 कमा दिए हैं एंड थोड़े बहुत डेट भर दिया, मतलब डेट कम कर दिया उसने। सही बात है यार, सही बात है। अभी थोड़े ही समय में मेरा ट्रक फ्यूल मांगना शुरू करेगा, क्योंकि अभी शायद ही उसके पास 100-150 माइल्स का फ्यूल होगा। बट देखते, उदया ऑफ आई की ड्यूटी आए, उदया ड्यूटी आए रे, फर्स्ट सैटरडे इज, फर्स्ट एंड थर्ड सैटरडे इज वर्किंग फॉर मी, फुल डे वर्किंग, नो हॉलीडे। बट नेक्स्ट वीक लकीली आई हैव 3 ऑफ्स इन वीक, सो दैट विल बी फन। ऑल्टरनेट डे पे हम बहुत मजे करेंगे, बिकॉज पब्लिक हॉलीडेज पे तो मज़ा ही है यार, मतलब स्ट्रीम लंबी होंगी एंड डे स्ट्रीमिंग भी होगी तभी तो। अभी डे स्ट्रीमिंग नहीं कर पाता क्योंकि जॉब पे होता हूँ ना, क्या कर सकता हूँ। तो जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन करेंगे डे स्ट्रीमिंग, एंड जिस दिन छुट्टी नहीं रहती उस दिन नाइट स्ट्रीमिंग चलती है। तो आपको भी थोड़ा शेड्यूल वही पड़ेगा, मेरे को पता नहीं आज बहुत खतरनाक नींद के साथ सो रहा हूँ मैं, ऐसे आके ये हो रही है, मतलब झपक रही है। एंड मैं तो फुल क्रूज कंट्रोल पे ही गाड़ी चला रहा हूँ कब से, कितना देर ऐसे हाथ डाल के रखूँ बटन पे, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही थोड़ा अच्छे से करते हैं। एंड सही से तो चल रहे वैसे, बट अभी देखते हैं कितना क्या कब कैसे, एवरीथिंग आई हैव टू मैनेज। बहुत खतरनाक आती है कभी कभी, लाइक सीरियसली। मैं आगे थोड़ा ट्रैफिक भी दिख रहा है, नॉट जाना लाए, बट ऐसे ट्रैफिक में मज़ा नहीं आता है। बट अगर फर्स्ट लेन खाली हो तो मैं फटाफट निकाल लूँगा, बट अगर फर्स्ट लेन खाली नहीं होगा तो थोड़ा दिक्कत तो होता है। लकीली आगे का कार जो भी है अच्छे से चल रहा है, तो इसलिए मेरे को इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत तो नहीं होती। ब्रेक मारा कार वाले की वजह से ब्रेक लग गया मेरा, अभी जो आप प्लान करा वाड़ी का, हाँ करूँ या अपन, मेरा था भाई कर जाता था जस्ट फ्री हो तो ये मेरे कारण बहु देखा दिवस अपन ने किस प्लान करूँ पचा क्या रे पाए, इतना तर मजा है इतना। एक भाई किधर कोकन में घूम रहा है, एक किधर जॉब पे है, एक किधर क्या कर रहा है पता नहीं, ऐसे सब पहले पड़े हैं तो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है ही फिलहाल के लिए। तो जब तक एकदम कंफर्मेशन नहीं रहता क्या कर रहे, तब तक पता नहीं, आज बहुत लेजी फील हो रहा है, पता नहीं गाड़ी शायद पार्क भी करना पड़ेगा मुझे। जैसे यहाँ पे ड्राइवर एमी ने $722 ला दिए हैं, इन लोग भी बहुत अच्छे से डेट कम कर रहे मेरा,
यार यहाँ पे तो फ्यूल स्टेशन था जो कि मुझे अभी लेना ही होगा। रॉन्ग वे से गाड़ी लेके जा रहा हूँ बट मुझे ज़रूरत है फ्यूल स्टेशन की, तो इसलिए अभी रॉन्ग साइड से आ गया। मतलब एकदम से उल्टा मेरे को याद आया कि मेरे को फ्यूल भरना है यार। नहीं अभी शायद तक पार्क भी कर लूँ यहाँ पे क्योंकि मेरा अभी हालत ख़राब हो रहा है और ज़्यादा सह नहीं पाऊँगा मैं जगह रहना। तो देखा रॉन्ग वे ऑप्शन भी लग गया पे, बट ठीक है चल जाता है उतना तो। फ्यूल के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो यहाँ से करते हैं एंटर एंड फ्यूल भरते हैं क्योंकि फ्यूल तो भाई इम्पोर्टेंट है अभी। बहुत कम फ्यूल था बट हो गया, मैनेज हो गया तो इतना कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अपना ट्रक पार्क हो चुका है एंड फ्यूल भरा भी जा रहा है। देखते कितना गैलन भर पाता है, ज़्यादा नहीं रहेगा इसका, 150 गैलन का कुछ भर जाएगा, इसके ऊपर तो नहीं भरेगा ये चीज़। ये ज़्यादा बड़ा फ्यूल टैंक है भी नहीं, देखा 150 गैलन के थोड़ा सा ही ऊपर भर गया। तो ये 200 का रहेगा शायद, 200 200 गैलन्स का। चलो तो अभी थोड़ा गाड़ी पार्क करते, शायद तक मेरे को थोड़ा आलस हो रहा है, मतलब टायर्ड हूँ यार ऑब्वियसली। तो थोड़ा यहाँ पे पार्क करते हैं गड्डी अपनी, ये मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा कहाँ से आया मैं। पार्क करते हैं यहीं पे अपना गाड़ी, रुका देते अभी, एकदम सही से पार्क हुआ है क्या, थोड़ा आगे ले जाता हूँ। ओके तो पार्क तो हो गई है गाड़ी, स्पेस मतलब हैंडल बार हैंडल हैंड ब्रेक भी मारा है मैंने, हैंडल ब्रेक क्या बोलो। एंड यहाँ पे गाड़ी ऑफ करते हैं एंड यहीं पे थोड़ा लीव लेते हैं। आज काफ़ी टायर्ड फील हो रहा है मुझे, इसलिए मैं आगे बढ़ने ना बढ़ने का डिसीजन ले रहा हूँ। यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे कल भी, कल ही करेंगे एक्चुअली, बट अभी क्या है ना थोड़ा ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है इसके लिए मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ, वरना लंबा शिफ्ट करता बट आज थोड़ा मेरा हालत खराब है। सो यहीं पे अपना स्ट्रीम एंड कर दें आज के लिए एंड कल आएंगे विथ न्यू एनर्जी, न्यू पावर, न्यू एवरीथिंग, मे बी न्यू स्टोरेज, हु नोस, नाउ टाइम विल टेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम पे, टिल देन गुड नाइट एंड टेक केयर। आई होप यू एंजॉय दिस स्ट्रीम एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके रखना बिकॉज वी स्ट्रीम एवरी डे नाइट एंड एवरी वीकेंड्स पे डे स्ट्रीम होती है। सो रेगुलर स्ट्रीम होते ही रहेगी। तो अभी थोड़ा ज़्यादा टायर्ड हूँ इसलिए मैं अभी सोने जा रहा हूँ, बट आप ऐसे ही रेगुलर आते जाना क्योंकि अभी धीरे धीरे हम कंसिस्टेंसी बिल्डअप करेंगे एंड फिर देखेंगे कुछ नए सरप्राइजेस आएंगे आपके लिए। एंड टिल देन अपना ख्याल रखना एंड आता हूँ मैं कल स्ट्रीम पे वापस। सो गुड नाइट एंड टेक केयर पीपल, वी विल सी यू टुमारो इन फ्रेश स्ट्रीम कंटिन्यूइंग माई जर्नी अहेड यहाँ से। सो लेट्स सी ऑन टुमारो स्ट्रीम।